to the channel. I know it's been quite a while since I have uploaded. I'm looking for jobs and I'm desperate for the jobs, so I don't have time to record this. But so my sister is coming to US, and again, like everyone, we have a list that we have to follow, that things we have to bring here, so we avoid spending more here US. सो ये लिस्ट पूरी वैसी होने वाली है. हम लोग थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे जो नॉर्मल है, जो लानी ज़रूरी है. कुछ चीज़ें जो चाहिए नहीं चाहिए वो तो आपके ऊपर है. सो वी गोना गो हियर. अगेन मेरा कैमरा गायब हो गया तो मेरे को देखना पड़ेगा वापस. हियर इट इज, लेट्स डू दिस. या आई एम स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स. जैसा मैं बोला, मेरे को अभी भी नहीं मिल रही है, और उस पर भी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट इट टेक्स लिटिल टाइम क्योंकि मेरे को दो तीन चीज़ें उसके लिए पहले करनी है. सो दिस इज़ द avance.com. तो यहाँ पे आपको लाइक एक लिस्ट मिलती है कि एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रही होगी कि दिस इज़ द थिंग्स यू हैव टू ब्रिंग, दिस इज़ द थिंग यू डोंट हैव टू ब्रिंग. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका पासपोर्ट. आई एम जस्ट गोना जोक अराउंड लिटिल बिट, बट उसके बाद सीरियस हो जाएंगे हम लोग. पासपोर्ट लाना जरूरी है. स्टूडेंट वीज़ा पासपोर्ट के साथ होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता. एयर टिकट्स येस, I-20 येस, सर्विस फी येस, GRE, TOEFL येस येस, एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी येस, ट्रांसक्रिप्ट एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, वो मतलब नहीं है, मेरी अभी भी पड़ी है, कुछ काम की नहीं आती, तो वो आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो एक्स्ट्रा इतना बड़ा लगेज है. ओके एंड 5 फोटोकॉपीज तो बहुत ज़्यादा है, मतलब नहीं है. आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग के 4 की 5 की रखो, 5 फोटोकॉपीज इंपॉर्टेंट, उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड अगर आपको लोन पेपर, प्रॉपर्टी पेपर्स भी लेके आना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे, जस्ट इन केस आपको पूछा कि आपको फंडिंग कहाँ से मिल रही है. तो नाउ डीप डाइविंग इनटू नॉर्मल स्टफ. मेडिसिन्स लाना प्रिस्क्रिप्शन के साथ. आई हैव वन. ओके मेरा कहीं पड़ा होगा, बट आई हैव वन जिसमें मेरे डॉक्टर ने सेरिडॉन, डोलो, एंटीबायोटिक्स कौन सी थी, अजिथ्रोमाइसिन एंड कोल्ड की एंड एवरीथिंग सब लिखा हुआ है. और वो लाइक क्रीम्स भी, मतलब अगर आपको एलर्जी क्रीम्स है, अस्थमा है, उसका भी लेके आना क्योंकि वो जस्ट इन केस आपको फ़ायदा होगा. देखते नहीं है, लेके आ सकते हो. फॉरेन करेंसी तो मेरे पास अभी यहाँ पे इंडिया के 5,000 पड़े होंगे. आई नहीं सॉरी 3,000 नहीं, इंडियन रुपीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे रह चुका हूँ 2 साल से. बट एक लिमिट है. सो यू आई आस पीपल लाइक मैं बोलूँगा कि 7,000 से ऊपर डॉलर्स मत लेके आओ. इससे अच्छा एक फॉरेक्स कार्ड ले लो, 2,000 हाथ में रखो, बाकी अंदर रखो, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ होती है. नॉट गोना लाइ अबाउट इट, चोरियाँ होती है. एयरपोर्ट भी चोरियाँ हुई है, मायामी एयरपोर्ट पे हुई है. लाइक सिक्योरिटी वालों ने निकाले पैसे बैग से, हुआ है, सब जगह कांड होते हैं. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अगर आप लेके आ रहे हो तो 2,000 या 3,000 लेके आओ, बाकी फॉरेक्स कार्ड लेके आओ. नाउ फॉरेक्स कार्ड के डिपार्टमेंट्स, आपको फॉरेक्स कार्ड के लिए मिलेंगे. आई यूजली यूज़ थॉमस कुक का, क्योंकि उनका थोड़ा सा ट्रांजेक्शन है वो फटाफट होते हैं. लोगों के पास HDFC भी है एंड इट्स ऑल्सो गुड. और HDFC, SBI और थॉमस कुक. HDFC का ये फ़ायदा है कि आपको उसके बेसिस पे लाउंज एक्सेस मिलता है कभी कभी. तो एक वो है, नियो ग्लोबल लेके आता है, बट आई डोंट थिंक मतलब है क्योंकि तो बेसिकली अगर आप थॉमस कुक का लेके आते हो तो दे हैव लाइक 1 फ्री एंट्री, मतलब वो निकालने का पैसा, तो आपको उसमें चार्ज नहीं लगता. और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको हर ATM का चार्ज लगता है. तो अगर मेरे पास चेस का ATM है तो मैं अगर चेस ATM से निकालूंगा, चेस का कार्ड है अगर चेस ATM से निकालूंगा तो 0 ट्रांजेक्शन फीस. बट अगर चेस का ATM है, कार्ड है, और मैं अमेरिकन एक्सप्रेस या बैंक ऑफ अमेरिका के ATM से पैसे निकालता हूँ तो देर इज़ अ चार्ज हमेशा.
इंडिया जैसा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज लगता है, कुछ नहीं कर सकता आप उसका। और दोनों साइड पर लगता है, एटीएम से भी लगता है और बैंक से भी लगता है, तो डबल नुकसान है, तो वो प्लीज़ अवॉइड करना। तो मैं आपको मेरे चेस का जो रेफरल लिंक है जिसमें आपको $50 एक्स्ट्रा और मिलेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप यूज़ करना, तो वो आपको एक फ़ायदा हो सकता है। देन कमिंग बैक, क्लोथिंग्स, यस क्लोथिंग ज़रूरत है, तो आप क्लोथिंग्स में लेके आओ क्या, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, जैकेट्स, एक दो अगर आप थोड़े से मेरी साइड पे हो न्यूयॉर्क के ऊपर तक, तो न्यूयॉर्क बॉस्टन अगर साइड पे हो तो आपको जैकेट्स बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं भी लाए तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप आपको ख़रीदने पड़ेंगी, बिकॉज इंडियन वाले इतने स्ट्रांग नहीं होते, अगर आप हिमाचल से हो तो फ़ायदा है, बाकी नहीं है। देन और क्या, हाउस होल्ड आइटम्स, उसमें मैं एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, मैं उस पाऊँगा, क्लोथिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। हाँ प्लीज़ चेक करना कि आपका लगेज कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम करता है। प्लीज़ अचार और ये सब मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होती है और आप ही फंसोगे। एंड यहाँ पर अगर आपके ऊपर राइस भी अलाउड नहीं है, देर इज़ अ प्रॉपर लिस्ट थिंग्स यू कॉन्ट ब्रिंग टू अ कस्टम्स, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी। तो राइस, अचार ये सब लाने का ट्राई मत करना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपके हर टाइम चेकिंग होगी, तो एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। देन वी गॉट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो सब मैं बाद में बताता हूँ। पर्सनल हाइजीन, आई वुड सजेस्ट कि टूथब्रश, टूथपेस्ट ये तो लेके आना ही आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बर्तन का मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको पूरा एक तरीका। सो जैसा मैं बोला, मेरी बहन आ रही है, ओके, तो मेरी बहन आ रही है, तो मेरे को मालूम है कि क्या क्या खरीदना चाहिए क्या क्या नहीं, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आप न्यू जर्सी रह रहे हो, आपको टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, ठीक है, डोंट टेक एनी टेंशन, क्योंकि आपको न्यू जर्सी में सब कुछ मिल जाएगा, वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और अगर नहीं मिलता तो ये एक वी ऐप है, सो दिस इज़ द ग्रोसरी ऐप, ठीक है, दे डिलीवर फास्ट, दे डिलीवर इंस्टेंटली, तो आप ट्राई करना कि आपको यहाँ से कुछ इंडियन आ जाए तो बढ़िया। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑर्डर, मैं लास्ट टाइम ऑर्डर किया था समथिंग लाइक दिस, इंडियन फूड, सो रेडीमेड इंडियन फूड्स मिलते हैं, डिलीवरी होती है फटाफट। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप मेरा रेफरल डाल दूंगा, तो आपको और $20 ऑफ मिलेगा, या गेट $20 ऑफ, तो यू गेट एवरीथिंग हियर। तो खाने की टेंशन आप मत लो, क्योंकि आई थिंक आपको यहाँ पे बेसन भी मिलेगा, यस आपको लक्ष्मी का बेसन भी मिलता है, दीप का बेसन मिलता है, तो यहाँ पे दीप जो कंपनी है ना, दीप दिस वन, ये बहुत पॉपुलर है, आपको यहाँ पे सारे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे दीप के, एंड वो US बेस्ड ही है, तो US बेस्ड में आपको दीप एंड बॉडी लर्न मिलेगा, वे टू गुड कॉम्बो, ले लो। एंड लाइक दिस, ये मिनट मील्स, पाव भाजी, तो हम भी लेते हैं क्योंकि खाना नहीं बनता इतना, तो ये करते हैं हम लोग भी। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट डन, आई थिंक, या अब इंडियन यूटेंसिल्स पे आते हैं। यूटेंसिल्स, आई नो आपको हो रहा होगा कि हमको लेने हमको लेने हमको लेने हैं, अंडरस्टैंडेबल, लेने पड़ेंगे, बट क्या क्या लेना इम्पोर्टेंट है वो देखो आप लोग। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ही इंडियन कुकर, ठीक है, इंडियन कुकर यहाँ पे महंगा आता है, ये देखो $27 का लिखा हुआ है, आगे से लिखा हुआ है, तो या तो आप ये लीजिए या आप राइस कुकर लो, द डिफरेंस इज, तो यहाँ पे आपको गैस में दिखाता हूँ कैसा होता है, सॉरी फॉर दिस, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक कॉइल, या सो दिस इज द इलेक्ट्रिक कॉइल, इसमें बर्तन चलते हैं, क्योंकि हम इंडिया में हाई रखने की आदत है, एंड इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो आई वुड प्रेफर अगर आप ले रहे हो तो इंडिया से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है बिना बात का, और अगर नहीं लेना इंडिया से तो आई वुड प्रेफर दिस, क्योंकि दिस कैन एक्ट लाइक अ मल्टीपल थिंग,
आपकी राइस दालें सब कुछ हो सकती है एक्स्ट्रा स्टीम, तो डू दिस। बाकी नाइफ एंड वो प्लीज़ मत लेके आना, बिना बात के खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। एंड मैं आपको बता दूंगा कि क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मेरा टारगेट का रेफरल भी है, मेरे पास बहुत सारे रेफरल्स हैं हर चीज़ के, और मैं सब लिखने वाला हूँ नीचे, बिकॉज आप लोगों को फ़ायदा होगा और थोड़ा सा मेरे को भी हो जाएगा, तो वाई नॉट। देखते हैं। या ये मेरे एनजीआईटी की आईडी से कनेक्टेड है। हाँ, आई वुड जस्ट प्रेफर कि आप एक यहाँ पे यूएस की एक आईडी बना दो, एंड क्योंकि हर आईडी आप जब नहीं बनाओगे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, रेफरेंस मिलता है, ये सब होता है। तो या से टारगेट से आप इलेक्ट्रिकल चीज़ें खरीदो, जैसे कि आयरन, सस्ती अच्छी, बिकॉज मैं यहाँ से खरीदा हूँ। लाइक आई नो इट सेज 13-14 डॉलर्स, तो आप लो यूज़ करो, एंड अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप रिटर्न कर सकते हो। एंड कभी कभी ये लोग रिटर्न ले रिटर्न मांगते भी नहीं, आपको पैसे आ जाएंगे वापस, और मेरे साथ हो चुका है इसलिए मेरे को फ्री में मिल गई। बट या ट्राई दिस बिकॉज दिस इज़ गुड। अदर देन दैट आपको मिक्सर सब यहाँ से लेना चाहिए, देर इज़ नो पॉइंट इंडिया से लेके आना एक्स्ट्रा लगेज। स्नैक्स रेडी टू मेड अगर आपके इंडिया के बन के आ रहे, लगे घर का स्वाद आ रहा है तो लेके आओ, बाकी मतलब नहीं है। ठीक है, कुकर में बता दिया आपको, कुकर तो ठीक है, बाकी पैन का अलग सिस्टम होता है यहाँ पे, तो मैं आपको पैन का भी दिखाता हूँ, वॉलमार्ट। तो इफ़ यू आर हियर, आपको दो जगह तीन जगह जाना ही पड़ेगा, दैट इज़ वॉलमार्ट, कॉस्टको एंड टारगेट। वाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा सेविंग आपकी उधर ही होने वाली है, उससे ज़्यादा सेविंग कहीं नहीं होने वाली आपकी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखने वाला हूँ, यूटेंसिल्स। द रीज़न आई एम सेइंग दिस क्योंकि यूटेंसिल्स आपको अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, या तो यहाँ से मंगाओ या तेमू से मंगाओ। ओके, ये कॉम्बो देख रहे हैं आपको, इतना सारा कॉम्बो कितने का? ये सबसे सस्ता है, 19 डॉलर्स का, एंड इट्स गुड क्वालिटी, नॉट इवन अ बैड क्वालिटी, इट्स अ गुड क्वालिटी वन। एंड वी ऑल्सो हैव डॉलर ट्री हर, सो आपको ये सब चीज़ें 1-1 डॉलर में भी मिलती है, बट आई वुड प्रेफर गेटिंग अ बेटर वन, सो आपको मगज हमारी ख़त्म। मेरे पास आई थिंक यही था, यही है। फिर आपको चाहिए नाइफ्स एंड वो सब आपको वॉलमार्ट में मिल जाएगा फटाफट, एंड दैट्स बेटर। ये देखो, ये पूरा सेट है नाइफ्स का। तो आप अगर दो तीन जने खरीद रहे हो तो यू कैन जस्ट शेयर इट विद अदर्स। लाइक ये 16 डॉलर्स के 5 चाकू आ रहे, तो ट्राई दिस और दिस, ये 3 टाइप, दिस इज गुड एक्चुअली, 10 डॉलर इज़ नॉट बैड। या फिर ये 1 डॉलर का जस्ट, तो आपको एक बार जाना ही पड़ेगा खरीदने। ओके, रिलैक्सिंग, सोच रहा हूँ क्या चाहिए आपको। एक चीज़, एक और चीज़ चाहिए होगी, दैट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वरना उसके अलावा आप पागल हो जाओगे। दैट इज वाटर ब्रिटा, नॉट लाइक नॉट ब्रिटा बट वाटर फिल्टर, किसी भी चीज़ का, क्योंकि जहाँ पे टैप वाटर चलता है, अगर आपका टैप वाटर नहीं होता तो आप पैक्ड वाटर ले लो, तो देर इज नो साइंस इन दैट। देखो, मेरे पास ये वाली बॉटल है और मेरे पास ये है जग है, तो इट इज़ गुड। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो ये बेटर है, बट हाँ आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर अच्छा पानी पीना हो तो ये करना ही पड़ता है। वॉट एल्स? बाकी आपको बेड, एक्चुअली रूम्स में सब कुछ मिलता है, मोस्टली रूम्स में सब कुछ मिलता है, बट अगर जस्ट इन केस नहीं मिलता तो आपको बेड फ्रेम, बेड शीट, वो सब आपको यहाँ पे ख़रीदनी पड़ेगी। इंडिया से लेके आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वेट पे करना पड़ेगा, एंड आपके कपड़े इतने होंगे कि मतलब नहीं है।
देन वी हैव बर्लिंगटन, सो दिस इज बर्लिंगटन, स्पेलिंग मैटर किया, ठीक है। बेसिकली मेरे पास एक कैल्विन क्लाइन का जैकेट है, दैट्स लाइक अ थिक जैकेट, जो मैं जैसी ठंड होती है मैं वही निकालता हूँ एंड वही मेरा चलता है, देर इज नथिंग इन बिटवीन। मैं वो जैकेट निकाल दिया मतलब वो मेरे को और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड गेस द प्राइस, क्या लगता है प्राइस क्या होगी? आपको लग रहा होगा $100, $120, क्योंकि वो इंडिया के 10,000 रुपये ही होते, बट नहीं, आपको बर्लिंगटन में वो मिलता है अराउंड, ओह उनकी वेबसाइट आ गई, नाइस। हाँ तो आपको वो आपको बर्लिंगटन में मिलता है अराउंड $50, $60 मैक्स, एंड दैट इज़ अ गुड वन, बिकॉज बर्लिंगटन में आपको कपड़े एवरीथिंग सस्ता मिलता है, और बर्लिंगटन सब लोग बर्लिंगटन में शॉपिंग करते हैं बिकॉज दैट चीपर और हर जगह अवेलेबल है। आई हैव नो आइडिया, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मेरे को नींद क्यों आती है, बट है जो है, जो है सो है। वेट लेट्स फाइंड विंटर जैकेट, हाँ तो इसमें अवेलेबल, ये अच्छी कंपनी के, ये लाइक टॉमी हिल्फिगर, कैल्विन क्लाइन और सब लोग, लाइक इट्स जस्ट अराउंड $13, $14, दैट्स इट, तो ये चीपर है, ये लीजिए और बेटर है। उसके अलावा सम थिंग्स यू नीड टू नो, मेरा एक तो ये मोबाइल, ये बहुत अटकने लग गया लैपटॉप, और जबकि मैं लैपटॉप नया खरीदा हूँ, सब कुछ नया है मेरा, बस देखते हैं कौन सा वाले कनेक्ट होता है। हाँ जी, हेलो गाइस, हाँ सो मैं क्या बोल रहा था, यार आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी नॉर्मली, जो आप लिस्ट फॉलो करो दैट इज़ वेरी गुड कि आपके पास लिस्ट है, बट आई वुड से कि आप ज़्यादा खर्चा मत करो, क्योंकि आप आपको मिल जाती चीज़ें, मोस्टली सस्त मिल जाएगी चीज़ें। यूटेंसिल्स में आपको सिर्फ एक वो लाने की ज़रूरत है, दैट इज़ कुकर, उसके अलावा यूटेंसिल्स आपको और चीपर में मिलते हैं, और तेमू अगर आप यूज़ करते हैं तो तेमू इज़ चाइनीज़ समथिंग आई वुड से, या इट्स लाइक अ चाइनीज़ कंपनी जो आपको वो देती है, सस्ते में सामान देती है चाइना का, इट टेक्स टाइम, वो आपको 2 हफ्ते लगेगा आने में, वो आपको 2 हफ्ता लगेगा आने में, बट आपको ये देखिए, ये $17 में आपको ये 3 का कॉम्बो आ ही रहा है, और $39 में आपको ये सब कॉम्बो आ रहा है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप लोग ये ऑर्डर करो इंस्टेड ऑफ घर से लाने का, क्योंकि घर से लाओगे प्लस पहली बात तो ये स्टोव से कंपेटेबल नहीं होते, मेरे जल चुके हैं सारे बर्तन एंड आई एम सैड अबाउट दैट, और तपेली तो होती भी नहीं कुछ काम किया पे, तो आप ये ऑर्डर करिए। कुकर लेके आइए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे खासे लेके आइए, हाँ डॉक्यूमेंट्स अच्छे खासे लेके आइए, डॉक्यूमेंट्स सारे काम के होते हैं, आपको यहाँ पे आके सबमिट भी करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। आपको सिम खरीदने की ज़रूरत है, अगर सिम में आप, अगर आपका एक फैमिली प्लान है गो फॉर दैट, देर इज़ नो डाउट इन दैट, दैट्स बेस्ट, गो फॉर दैट। अगर नहीं है तो मिंट मोबाइल लीजिए, मैं लिया हूँ, मेरे सारे मोस्ट ऑफ द दोस्त मिंट मोबाइल लिए, क्योंकि वो सिंगल पर्सन के लिए होता है एंड वो सस्ता होता है, तो व्हाट आई एम पेइंग, आई एम पेइंग अराउंड 200 $120 फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि मेरे पास कोई कॉम्बो लग गया था, कुछ हो गया था, मेरे फ्रेंड्स पे कर रहे हैं $180, बट अगेन वो उसमें उनको 20 GB नेट मिल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली फॉर देम, और महंगा है यहाँ पे, आपको इंडिया में मालूम है, आई नो कि आपको 1 GB एक दिन का मिल रहा है, वो सब है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब वाईफाई से कनेक्ट होता है, आप पूछेंगे हमको वाईफाई दीजिए, आपको वाईफाई मिल जाएगा, दिस डन।
लास्टली दो तीन चीज़ें। तो पहले बात, अगर आपके पास खुद का मोबाइल है पुराना, तो उसमें ई सिम कंपेटेबल है कि नहीं वो देखना, क्योंकि ई सिम इज़ वे टू हेल्पफुल यहाँ पे, बाकी आपका दिमाग ख़राब होगा। ई सिम अगर आपके पास नया मोबाइल ख़रीदना है, तो आप नया मोबाइल खरीदिए एयरपोर्ट पे, कहीं भी ख़रीदो, ई सिम ख़रीदो, दोनों कॉम्बो बन जाता है अच्छा वाला। उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करो स्टारबक्स, क्योंकि डंकिन, क्योंकि आपको हर जगह वो मिल जाएगा, वॉलमार्ट, अमेजोन, लिफ्ट, ऊबर, क्योंकि लिफ्ट एंड ऊबर आर बेसिकली ओला टाइप ऑफ थिंग, और कभी ना कभी कोई ना कोई सस्ते मिलती है, तो आपको दोनों कंपेयर करना पड़ेगा जब भी आप बुक कर रहे हो, वो बेटर है। और वॉट एल्स, टारगेट, ठीक है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो बेटर है, यहाँ पर आपका एप्पल पे चालू हो जाएगा। एप्पल पे इज बेसिकली आपका कार्ड आपके मोबाइल के अंदर, अनलाइक यूपीआई, यूपीआई में हमको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है, यहाँ पर टैप करना होता है, या तो वो होता है। एंड वॉट एल्स, कुछ भी और क्वेश्चन हो तो मेरे को बताना, बिकॉज बींग इन यूएस इज़ डिफ़िकल्ट, आपको नई चीज़ें होती है, सब कुछ नया मिलता है, एंड इट्स समथिंग न्यू टू एवरी वन। अटका मेरा वापस फ़ोन, ये मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, सब स्टोरेज आई थिंक लफड़ा हो गया, बट हाँ यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, बट आपको ढूंढने की चीज़ है बस। यू विल फाइंड एवरी थिंग, अगर आप न्यू जर्सी में रहते हो तो आपको तो इंडियन स्ट्रीट पूरा पास में ही है, आप जाओ न्यू जर्सी में, एडिसन, जर्सी सिटी, दोनों जगह पे आपको सब कुछ इंडियन मिलेगा, इवन आपको अगरबत्ती एंड होली के कलर्स एंड सब कुछ मिलता है। बट अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो ट्राई करो वी, क्योंकि वी पे आपको ग्रोसरीज मिल जाएगी, एक पटेल ब्रोड डॉट कॉम भी कुछ है आई थिंक सो, मेरे को देखना पड़ेगा, पटेल ब्रदर्स, बाकी पटेल ब्रदर्स हर जगह है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स पटेल ब्रदर्स पे आपको मिल जाती हैं। ये देखिए, सॉरी फॉर दैट, या तो आपको यहाँ पे फाइंड अ स्टोर, आपको अगर आप मिशिगन में हो या कैलिफोर्निया या मैसेच्यूसेट्स या कहीं भी हो, आपको पटेल ब्रदर्स तो एक ना एक मिल जाएगा, दैट्स बेसिकली लाइक इंडियन ग्रोसरीज का पूरा दुकान। और अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो ट्राई वी, ट्राई दिस, आपको घर की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करना मुझे, मेरे को व्हाट यूट्यूब पे आप कमेंट्स करो, मैं आंसर करूँगा, मैं रेफरेंस डाल दूँगा, मेरे पास बैंक ऑफ अमेरिका का रेफरल है, मेरे पास चेस का है, मेरे पास लिफ्ट का है, इफ़ यू गेट योर फर्स्ट राइड सो आपको $10 ऑफ हो जाएगा, सेम विथ ऊबर भी है, ग्रब हब भी है, ग्रब हब भी बेसिकली लाइक यहाँ का जोमेटो, सो इज़ वो डोरडैश, तो यहाँ पे जोमेटो के नाम पे दो चीज़ें चलती है, डोरडैश एंड ग्रब हब, तो आपको वो मिल जाएगा। मेरे पास डोमिनोज का रेफरल है, मेरे पास स्टारबक्स का रेफरल है, मेरे पास टारगेट, वॉलमार्ट, कॉस्को, बेस्ट बाय, सब, कॉस्को का नहीं है बट बाकी उन सब क्या है, तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्लिक ऑन द लिंक, गेट टू द वेबसाइट, मिंट मोबाइल का भी है, वी का भी है, तो आपको उधर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, प्लस अगर मेरे रेफरल से आपको कुछ कॉम्बो लगता है जैसे मेरे को लगा है ना, इफ़ यू गेट बेनिफिट डू डू दैट, बट प्लीज़ अवॉइड कैरिंग राइस, बीन्स, एनी थिंग दैट इज़ लाइक इंडियन थिंग, मतलब कैसे बताऊँ, सीड या गेहूं टाइप थिंग प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आप पाउडर भी लेके आ रहे हो तो लाइक वाइट पाउडर मत लाना, क्योंकि कोकेन एंड ये सब से कनेक्ट कहीं ना हो ना जाओ आप लोग। तो अब मैं जैसे बेसन लेके आया हूँ इंडिया से, मेरा बेसन चल रहा है क्योंकि येलो कलर है एंड उसमें लिखा हुआ बेसन एंड पैक्ड है, बट मैं राइस नहीं लाया क्योंकि राइस चेक होता है, और अवॉइड पैसे कैरी करना इतना। अगर आपको कैरी करना है तो अलग अलग जगह पर रखो, कोई बैकपैक में रखो, कुछ अटैची में रखो, कुछ वॉलेट में रखो या कुछ फैनी पैक में रखो, बट सब एक साथ रखना मत, क्योंकि अगर आप अटके तो अटक जाओगे। हेडफोन्स लेके आओ, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, यहाँ से खरीदना, यहाँ से खरीदो, इंडिया से खरीद के लाना, इंडिया से खरीदो,
इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट अ थिंग दैट इज सपोज टू बी टॉकिंग ऐसा, बट यहाँ पे कॉम्बोस मिलते हैं। यहाँ पे जैसे आपको अगर गेमिंग करने का शौक है, एक्स्ट्रा मॉनिटर चाहिए, आपको बेस्ट बाय यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, कंट्रोलर सस्ता मिलता है अमेजोन पे। एंड यहाँ पे पेपर टॉवल्स एंड टॉयलेट पेपर यूज करने का वो है, सबको मालूम है, बट टू अवॉइड दैट, क्योंकि मेरे को मालूम है इंडियन हूँ, वो तो चाहिए होगा। बिजेट हाँ, तो बहुत जगह पे आपको नहीं मिलने वाला कुछ भी, तो गो विद दिस थिंग। तो बेसिकली ये भर के रखते हैं एंड प्रेस करने के बाद पानी आता है, नॉर्मल बट वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपका टॉयलेट पेपर का कॉस्ट कम होगा इसके थ्रू। वरना टॉयलेट पेपर कॉस्ट अराउंड कितना, $1 पर रोल, समथिंग लाइक दैट कॉम्बो। हाँ, और प्लीज़ होलसेल में खरीदना सीख जाओ, वॉलमार्ट पे जाओ होलसेल। अगर आपको, आप 4 जने रह रहे हो या 6 जने रह रहे हो, प्रेफर की पूरा एक बड़े बड़े लाइक इससे बड़ा बाउंटी होता है ये पेपर टॉवल से। ये हर जगह यूज होता है, लाइक यूज एंड थ्रो। इसके 12 वाला पीस लेके आओ जिससे आपको सस्ता पड़े। आपको गार्बेज बैग्स, डस्टबिन सब खरीदना पड़ेगा, तो यू कैन गेट दैट, और ये चीपर होता है। उसके अलावा प्लीज़, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें लाइक साउथ इंडियन लड़कियों ने पे करे बिना वो निकल गए एंड उनको वो जेल हो गई एंड उसको उनको डिपोर्ट कर रहे। प्लीज़ ऐसी चीज़ें अवॉइड करो। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती है, आप ऐप से बुलवा रहे हो, ऐप से आप कर दो रिफ़ंड, आप दे के आ जाओ। अगर रिफ़ंड बोलते हैं कि हाँ रिफ़ंड चाहिए, एंड इफ़ दे से दैट दे डोंट नीड रिफ़ंड, दे लाइक उनको आइटम नहीं चाहिए, आपको ऐसे रिफ़ंड आ रहा है, बल्ले बल्ले, व्हाई नॉट डू दैट। आई नो बल्ले बल्ले बोलने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है। बट एंड दिस इज़ वन थिंग जो आपको मिलेगा, प्लीज़ ये यूज़ करना। तो आपके इस कवर के पीछे ये लगता है, ये छोटू सा, इसके अंदर आपका एक क्रेडिट कार्ड रखो, एक आईडी रखो, बिकॉज ये फटाफट निकलता है एंड वो दे सकते हो आप। और यहाँ पे कैश घुमाने की आदत कम है, कैश लोग नहीं लेके घूमते हैं, यहाँ पे सब एप्पल पे एंड कार्ड पे होता है। तो ट्राई टू डू दैट एज सुन एज पॉसिबल। मैं सारी लिंक्स नीचे कनेक्ट कर रहा हूँ मेरी, तो आपको जो भी एप्स चाहिए वो करो। जो भी डॉक्यूमेंट्स में हेल्प चाहिए मेरे को बताओ, कि लाइक आप मनन बोल सकते हो या भैया बोल सकते हो, आपके ऊपर है। बट या जस्ट कैरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स विद इमिग्रेशन एंड दोज थिंग्स, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, और वो मैं अगली वीडियो में भी कनेक्ट करने वाला हूँ, तो वो आप देखना क्या होता है। आई थिंक दैट्स इट राइट। या तो दो बड़ी अटीची लो, खरीदो और लेके US आ जाओ। बाय बाय।